जय श्री राम। भक्तों, मास पारायण 28वां विश्राम के बाद आइए कथा आरंभ करें। शिव बिरंचि कहु मोहि को है बपुरा आन, अस जिए जान भज ही मुनि माया पति भगवान। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बिचारा क्या चीज है। जी मैं ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी अब वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुसुंडी जी बसते हैं। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित से वटवृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काक भुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हो गया। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिया। प्रेम सहित पूजा करके काक भुसुंडी जी मधुर वचन कहने लगे कि हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें अब मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने तब कोमल वचन कहे कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहां आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब दूर हो गए। अब तो हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा को आदर सहित सुना दीजिए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूं। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस का सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन किया, फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह, विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद अर्थात बातचीत कहकर सुनाए। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे थे वह सब कुछ कहकर सुनाया। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना कहा, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत प्रकार से वर्णन किया, फिर राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी के नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्री जी का मिलाप वर्णन किया कि कही बिराध बदजे ही विधि,
देह तजी सर्वभंग बरन सुति छन प्रीत पुनि प्रभु अगस्ते सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुशुंड जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह सब बखान कर कहा। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता जी का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, फिर सब कुछ कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया वो, तथा वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग सभी विस्तार पूर्वक कहे। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वो सब कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस प्रकार अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, वो सब कथा कही। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझा कर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और फिर जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई, फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वे सब और समुद्र के बांधने की कथा उन्होंने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए थे, वो सब कथा कही। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्यभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की थी और फिर जैसे वानरों समेत पुष्कर विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले थे, वो सब कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काक भुशुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। भगवान शिव कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भुशुंडी जी ने वे सब कथा कही जो ही भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित अर्थात आनंदित होकर वचन कहने लगे कि गयउ मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित भयउ राम पदनेह तव प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह अब जाता रहा।
हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं भला। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूं। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोहना होता तो मैं आपसे भला किस प्रकार मिलता और फिर कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काक भुशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भराया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय अर्थात सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काक भुशुंडी जी ने फिर कहा, पक्षी राज पर उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहां भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म मत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा भला कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना न की हो अर्थात मिट्टी पलीत ना की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया। ऐसा कौन है जिसे मृगनैनी के नेत्र बाण न लगे हो। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आप से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसको नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने भला किसको नहीं खाया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। यह सब माया का बड़ा बलिवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन भला कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। माया की प्रचंड सेना संसार में छाई हुई है। काम, क्रोध, लोभ उसके सेनापति है और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा है। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं,
जो माया सारे संसार जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटि के इशारे पर अपने समाज अर्थात परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम सर्वव्यापक एवं व्याप्य अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति और छह ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। वे निर्गुण महान वाणी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले निर्दोष अजय ममता रहित निराकार मोह रहित नित्य माया रहित सुख के राशि प्रकृति से परे प्रभु सदा सबके हृदय में बसने वाले इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है। श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए कि जथाने कबीश धरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करे और वही वही भाव दिखलाए पर स्वयं भी उनमें से कोई हो नहीं। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आ सकते हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे भला जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूं। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूं। हे तात, आप श्री राम जी की कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता कि सुनहु राम कर सहज सुभाव जन अभिमान न राखहि काउ संसत मूल सूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है।
हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती। यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर भाई भजते क्यों नहीं हो। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूं, जरा मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। वहां जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूं। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूं। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूं। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ उड़ता हूं और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ी रहती है वही उठाकर खाता रहता हूं। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक भुशुंडी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। भुशुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताब श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्रादि अर्थात वज्र अंकुश ध्वजा और कमल, ये 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द बड़ा सुहावना लग रहा है। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियां नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह अर्थात सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर टुड्डे है और मुख की छवि की कोई सीमा नहीं है। तोतले वचन है, लाल लाल होंठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर नीचे 2-2 दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भवें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनके किलकारी और चितवन मुझे बहुत प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है।
किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तब वे पीछे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीलाओं को देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन, मेरे प्रभु ये कौन सी चरित्र लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहां कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वे भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग वाला पशु ही है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिट सकता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले पाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्रीहरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का बीच था, अर्थात फासला था। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर अब मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, तब उसका भला कहिए किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा।
प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न भिन्न शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाली लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता रहा। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिराता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे। उनका वर्णन भला कैसे किया जाए। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे दीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वे शांति नहीं पाता था। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई इस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा, दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनके पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सला देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक, गंभीर और कोमल वचन बोलने लगे। काक भुसुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादित सिद्धि अपरधि मोछ सकल सुख खानी। हे काक भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग ले। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। तब प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात तो कही नहीं।
भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के? हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले। आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है, हे भक्तों के मनवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखदाम प्रभु श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे ना मांगता? तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वो मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको भक्ति नहीं मिलती, अर्थात भक्ति को नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी है। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया, यह चतुरता मुझे बहुत अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण, प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक, सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य, सुगम, वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूं, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर बस मेरा भजन कर। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं, वैराग्यवानों में भी ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है, विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, इसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान कुछ प्रिय है ही नहीं। भक्ति हीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वे मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता, वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन, एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर और कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, तो वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान अर्थात मूर्ख ही क्यों ना हो, इसी प्रकार त्रियक अर्थात पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं,
उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी दया बराबर है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना, प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्ष हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भरी भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों की खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और कहा, बहुत भूख लगी है। ये देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी आई और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। जेही सुख लागी पुरारी, अशुभ बेशकृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी, तेही सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से प्रभु ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपसे कहा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूं, वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे, हे पक्षीराज, जल की चिकनाई नहीं ठहरती। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्रीहरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मारिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? संतोष के बिना काम का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, और श्री राम के भजन बिना कामनाएं नहीं मिट सकती। बिना धरती के कहीं पेड़ उग सकता है? विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता, क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता, निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है?
क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकते। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं की है, यह सब अपनी आंखों से देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपने अपने बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं, वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार है तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है? श्री राम जी का अरबों काम देवों के समान सुंदर शरीर है, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है, अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है, अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत स्थान है, अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले, अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं, वे भगवान अरबों धूम केतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं, अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं, उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। भगवान श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे, भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं, उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है, वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं, वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं, बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। प्रभु उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं, श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपने अपने बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं, वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर बहुत सुख मानते हैं। के राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुमही सुनायऊ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुना दिया। सुख के भंडार, करुणा धाम, भगवान भाव प्रेम के वश हैं, अतएव ममता, मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ का ही भजन करना चाहिए। काक भुशुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए।
उनके नेत्रों में जल भराया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभुशुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही कोई क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी अर्थात सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया है। काकभुशुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर निवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन कहने लगे, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कह दीजिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। प्रभु, आपने ये काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कही। हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहां पाया? सुकथा कहिए कि नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलहु नास तव नाहि। हे नाथ, मैंने भगवान शिव से ऐसा सुना है कि महाप्रलय काल में भी आपका नाश नहीं होता, और भगवान शिव कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वे भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्याप्ता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझसे कहिए, ये ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुशुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहूंगा। हे तात, आदर सहित मन लगाकर अब सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख हैं, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी प्रकार से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई।
इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म न लिया हो? हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूं, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी जानी नहीं। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वे अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे, अर्थात पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया था, सदग्रंथ लुप्त हो गए थे। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए थे। सभी लोग मोह के वश थे, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्रीहरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कल के कुछ धर्म कहता हूं कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोह नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है अर्थात आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोले और हंसी दिल लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन और वेद मार्ग को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष अर्थात खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्म से लबार अर्थात झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं।
अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़ जाते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते हैं, वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामही, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी हो जाते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जा सकती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को लाके रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़े। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध के दंड देकर उसकी दुर्दशा किए रहते हैं। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। मनुष्य जप तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है।
वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कहीं नहीं है अर्थात सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत अर्थात प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलयुग ने मनुष्य को बेहाल कर रखा है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहा है। समता चली गई है। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में रही नहीं है। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में बस अब वही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के चार चरण अर्थात सत्य, दया, दान और तप प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलि में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जान लीजिए। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नटका किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते।
मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में भी बहुत वर्षों तक अयोध्या में मैं रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा भगवान शिव की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था, वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभू के उपासक थे, पर श्रीहरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको भगवान शिव का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्रीहरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है भला? एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिवजी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री राम को ही भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितने। ब्रह्मा जी और शिवजी जिनके चरणों के प्रेमी हैं और अभागे उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है। गुरु जी ने भगवान शिव को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर ही पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करने लगा। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वे सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी हवा को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों अर्थात मुकुटों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छी और न प्रेम ही अच्छा है। हे गोसाई, उसको तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात करते थे, कहते थे, पर मुझे वे सुहाती नहीं थी। एक दिन मैं भगवान शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी बहुत दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं था, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए।
जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ते हैं। फिर वहां से निकलकर वे त्रियक अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प के नीचे योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हा हा कार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपित मोह बिलोक अति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हो रहा है। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निज स्वरूप में स्थित माइक गुणों से रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूं। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे हे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फृन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसभद्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरव वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीले कंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ अर्थात कल्याण करने वाले भगवान शंकर को मैं नित्य भजता हूं। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भाव्य गम्यम। प्रचंड रुद्ररौप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले
हाथ में त्रिशूल धारण किए प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले हे भवानी के पति भगवान शंकर, मैं आपको नित्य भजता हूं। के कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए प्रभु। नयावद उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति हलोके परेवानराणाम, न तावत् सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः ही समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दुखोघ ताताप्यमानम, प्रभु पाहि आपन्न मामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूं, न जप और न पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी के दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूं। किरुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये, ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभुः प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि अर्थात प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है, हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी भगवान शंकर, अब इस पर कृपालु होइए और कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह हो जाए। हे कृपा निधान अब वही दीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह हजार जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है इसको वो दुख जरा भी व्यापेगा नहीं और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुनो।
प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन, दूजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्रेय भगवान हरि के ही समान जानना, इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे से भी जो नहीं मरता वह भी विप्र दोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है, ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहां बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित हुए। ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझा कर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर चले गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। भगवान शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहां वह उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधई की सेवा करे। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहां वहां जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। भगवान शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र आबाधित गति थी, अर्थात मैं जहां चाहता वहां जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की अर्थात पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है, ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमेश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे कि हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहां आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप तो सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवन, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कह दीजिए। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं
आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान पारायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। फिर मैंने मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। कि राम भगति जल मम मान मीना किमि बिल गाई मुनीस प्रवीना। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपमारी कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु, सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी से सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या दूसरा पाप और है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूं तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न ही दीनता आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया।
फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ता चला। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। काकभुशुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि के बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि के बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। मुनि ने कुछ समय तक मुझको अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले कि राम चरित सर गुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात में पावा तो ही निज भगत राम कार जानी ताते में सब कहूं बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहे। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने से कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो जाओ और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ इच्छा मृत्यु अर्थात जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां एक योजन अर्थात चार कोस तक अविद्या नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं रहेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य अर्थात गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम के जान जाओ। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो, अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो, यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहां निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहां सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूं और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं।
अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूं और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूं। हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूं। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वे सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, अर्थात दूर हो गए। भक्तों, यह मास पारायण 29वां विश्राम है। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए भक्तों, मास पारायण 29वां विश्राम से आगे कथा आरंभ करें। भगति पच्छ हट कर रहे दीन महर्षि सा, मुनि दुर्लभ बर पायऊं देखऊं भजन प्रता। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया, भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए शम करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, हे भवानी, भुशुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कही कि संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक भुशुंड जी ने बहुत सुख माना और आदर के साथ कहा कि भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं और उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनैनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहां मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, ये सब कोई जानता है। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है।
जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खाने भक्ति को ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई नहीं जान पाता, और श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। के और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा बिछीन। हे गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनी, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, ये समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, अर्थात गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी अर्थात जन्मने और मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वे सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वे ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग अर्थात जैसे आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति अर्थात सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना नोई अर्थात गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दोहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है अर्थात अपने वश में है, दूहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवत्त सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम अर्थात मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे, तब मुदिता अर्थात प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम अर्थात इंद्रिय दमन के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले, तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चात्मिकता अर्थात बुद्धि से ठंडा करे, तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरियावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाए, जिससे समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं।
सोहमस्मि, वह ब्रह्मा मैं हूं। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा अर्थात लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाते हैं और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वे उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर अर्थात हानि कर समझकर उनकी ओर ताकते नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई हो तो फिर देवता उपाधि करते हैं अर्थात विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, वहां वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अर्थात अड्डा जमाकर बैठे हैं। जो ही वे विषम रूपी हवा को आते देखते हैं तो ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वे तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वे विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई अर्थात सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तो फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से भला कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति अर्थात जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन। यदि घृणाक्षर न्याय से अर्थात संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं, अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही कैवल्य अर्थात मोक्ष का अधिकारी होता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा के भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे नहीं सुहाती, ऐसा मूड भला कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतना को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं।
मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा। अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। उसके प्रकाश से अविद्या का बल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी रहते हैं उसको नहीं व्याप। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं रहता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वे सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहे। हे नाथ, हे दीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में कही। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है, अतः हे काक भुशुंडी जी, ये सब मुझे बताइए। तब काक भुशुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं नीति संक्षेप में कहता हूं। कि नर्तन समना ही कवनियों देही, जीव चरा चर जाचतते ही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान बेराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं,
चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके जो भी लोग श्रीहरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जाग माही, संत मेलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मान काया, संत सहज सुभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में और कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरे की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। के पर संपदा बिनासी नसाही, जिम ससिहते हिम उपल बिलाही, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट की उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होती है, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी कोई पाप नहीं है। भगवान शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह हजार जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अर्थात अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हितात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है, उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूर उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार अर्थात बड़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई प्रीति कर लें, आपस में मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल हैं, उनके नाम कौन जानता है अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पराए सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन के कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि अर्थात जलोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहूं।
एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वे समाधि को भला कैसे प्राप्त करें? नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे रोग जाते नहीं हैं। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम अर्थात परहेज है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपान अर्थात दवा के साथ लिए जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो विरोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख हो ही नहीं सकता। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाएं, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिले उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे जो हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्रीहरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता, यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति येति दुस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा अर्थात मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपने बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है।
जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूं? भला पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूं, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। कि आज धन्य में धन्यति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोही संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूं, तो भी आज मैं धन्य हूं, अत्यंत धन्य हूं, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया है, अर्थात आपसे मेरी भेंट कराई है। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा कर नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनका भी कोई थाह पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भुशुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूं न देखता हूं, अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे समझूं? साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, कर्म रहस्य की ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूं, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं अर्थात आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भुशुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले, मैं कृत कृत्य भयं तव वाणी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी, राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। श्री रघुबीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत कृत्य हो गया, श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, मुझसे इसका प्रत्युपकार अर्थात उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूं, आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं।
भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भवपाश अर्थात संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म अर्थात शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्रीहरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी के विरले नहीं पाई है कि मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहीं बिनहीं प्रयास, जे ये कथा निरंतर सुनहीं मानी विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भलीभांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहां श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसको पहली गति होती है अर्थात जो दान देने में व्यय होता है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियां होती हैं, दान भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है जिसमें श्री रघुवीर परायण अर्थात अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न होता है। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो धूर्त हो, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों, लोभी क्रोधी और कामी को जो ये चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते ये कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वे देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी ये कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनके गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण,
भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन अर्थात प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। कि मैं कृत कृत्य भयं अब तब प्रसाद विसवेश उपजे राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए अर्थात नष्ट हो गए। भगवान शिव उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। अरे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति भला नहीं पाई। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गीद गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खस स्वपच आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मर को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या कहूं, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश भगवान श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं।
इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है भला। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उनसे सीताराम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारे रघु बंस मने हरहु विषम भव भीर। हे श्री रघुबीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगी। यत् पूर्वं प्रभुणा कृतं सुखविना शिशंभुना दुर्गमं श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्तये तु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तमः शांतये भाषा बद्धमिदं चकार तुलसीदास इस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमांबु पूरम शुभम श्रीमद् राम चरित्र मानसिमिदम भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर दहन्ति नो मानवा। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला माया मोह और मल का नाश करने वाला परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। भक्तों, यहां मास पारायण तीसवां विश्राम और नवान्न पारायण नवा विश्राम है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह सातवां अध्याय संपूर्ण हुआ, अर्थात उत्तरकांड संपूर्ण हुआ। यहां रामचरित मानस संपूर्ण होती है। भक्तों, प्रभु श्री राम की हम सबके ऊपर अनंत कृपा और दया है, जो हम इस श्री राम चरित रूपी सरोवर में गोता लगा पाए। हम पर और आप सभी पर यह कृपा निरंतर बनी रहे, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।